नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार EVRH न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं ये तफसीलात। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. लंगार हाउस डिवीजन हल्के कारवान के इब्राहिम बाग इलाके में लड़कों के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंटल स्कूल की इमारत का संगे बुनियाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुखाम MLA कौसर मोहियुद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दिगर मौजूद थे। लागत 20 करोड़ की लागत से आज सदर मोहतरम के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस बिल्डिंग का काम होने में करीब करीब साल डेढ़ साल के अंदर इस बिल्डिंग को तामीर किया जाएगा और उसी तरीके से और दो बिल्डिंग्स है इंशाल्लाह वो भी अनखरीब के अंदर चंद जगह पर लाइन की वजह से रुका हुआ है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एक महीने के अंदर वो दो बिल्डिंग का भी इफ्तिताह सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हाथों से इफ्तिताह अमल में आएगा। आज के प्रोग्राम के अंदर हल्के कारवान के तमाम कॉरपोरेटर्स, तमाम सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर्स, राजेंद्र नगर इंचार्ज जनाब रहमत बेग साहब और हमारे इब्राहिम बाग के बहुत सीनियर मोस्ट और खास तौर से अम्बेडकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजू उस्ताद, उनके तमाम साथी आज सदर मोहतरम से भी मुलाकात करें और यहाँ पर SC कमेटी के लिए, गिरियाट के लिए और यहाँ पर एक रिजर्वर के लिए सदर मोहतरम को एक प्रपोजल दिए और सदर मोहतरम ने तहफून दिए और मुझको हिदायत दिए कि कल कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करे और यहाँ के जो मसाइल है चाहे वो ग्रियाट का हो या दीगर जो मसाइल है उन तमाम मसाइल को मैं हमारे यही इब्राहिम बाग के तमाम लोग को ले जाकर कलेक्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। उसी तरीके से यहाँ का जो रात के अंदर पानी आ रहा उसके ताल्लुक से भी सदर मोहतरम डायरेक्टर ऑपरेशन से भी बात करें। मैं समझता हूँ जो टीपू खां ब्रिज से लेकर रामदेवगुड़े को बड़ी लाइन डाली जा रही, मैं वो राम काम होने के बाद जो रात के दरमियान में 3 बजे रात को जो पानी आ रहा है वो पानी रात की सप्लाई बंद हो जाएगी, फिर मामूल की तरह दिन की सप्लाई दी जाएगी। और अब जो पानी की जो तकलीफ हो रही जिसकी वजह क्या है, ये तमाम गोलकुंडे से होते हुए लाइन इब्राहिम बाग को आती जिसकी वजह से सदर मोहतरम ने आज से 2 साल पहले मुझको बताया था। उसके बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर MD वाटर से मुलाकात कर जो डिफेंस को जाने वाली लाइन टीपू खां ब्रिज से गंदम मुड़े को जाने वाली लाइन से लेकर रामदेवगुड़े को मिला जाएगा। उसके बाद मैं समझता हूँ इब्राहिम बाग हो या रामदेवगुड़ा हो यहाँ पर जो पानी की तकलीफ है इंशाल्लाह पानी की तकलीफ दूर हो जाएगी। उसी तरीके से और यहाँ पर जो मसाइल है इंशाल्लाह जल्द से जल्द तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। वनमोहन नगर के अंदर भी 1 करोड़ 50 लाख की लागत से डाली गई और जो बड़ी लाइन डाली जा रही है 1 करोड़ 40 लाख की लागत से डाली जा रही है। जैसे वो काम होने के बाद सदर मोहतरम वनमोहन नगर का और ये बड़ी लाइन का इफ्तिताह सदर मोहतरम के हाथों से होगा। मैं उम्मीद आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ आप तमाम के जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए, मैं इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी मामला है आप मुझको बताइए इंशाल्लाह आप हम बैठकर आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे हल्के कारवान के अंदर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, बड़े से बड़े डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। अभी कारवान के अंदर करीब करीब 5 स्कूल है स्कूल और आज यहाँ पर अभी जो स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट रेंट बिल्डिंग में है, अभी यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।